नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आपसी न्यूज। भारत खबर प्रतापगढ़ से है। लोकसभा चुनाव में उतरे 26 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर अफसरों ने महुली मंडी स्थित स्ट्रांग रूम में रखकर सील कर दी है। अब दावेदारों के भाग्य का फैसला 4 जून को मतगणना के बाद होगा। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर प्रचार प्रसार का दौर 16 मार्च से तेज हो गया था। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार ने रफ्तार पकड़ ली थी। आखिरकार 25 मई को वोटरों ने दावेदारों की किस्मत का फैसला ईवीएम की बटन दबाकर कर दिया। ईवीएम और वीवीपैट की रखवाली के लिए प्रशासन से पैरामिलिट्री के जवान तैनात हुए। शनिवार सुबह से मतदान की रफ्तार ने तेजी पकड़ी, लेकिन बढ़ते तापमान का असर दोपहर बाद मतदान प्रतिशत पर दिखाई देने लगा। सुबह के 2 घंटे मतदान प्रतिशतों को देखकर लग रहा था कि 2019 के 53.53% से इस बार मतदान ज्यादा होगा, लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान की रफ्तार कछुआ चाल रही। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत में खास असर नहीं दिखा। मतदान का समय समाप्त होने तक 51.81% ही मतदान हो सका। बहुत अधिक है सर, प्रशासन की उम्मीद है कि मतदान अधिक से अधिक पड़े। तो जो वोट अभी तक रुझान आ रहा है, इससे 11 बज गए हैं। देखिए, अभी तक तो जो आप भी देख रहे होंगे, दोनों बूथ यहाँ भी हैं, सभी जगह लाइन लगे हुए हैं, तो अभी तक तो प्रतिशत सही चल रहा है। और गर्मी से बचने के लिए हम लोगों ने शेड लगवाया, टेंट वगैरह लगाए हैं, पानी की व्यवस्था की है। और मतदान करना सबकी जिम्मेदारी होती है। थोड़ी सी गर्मी के कारण अगर आप भागने लगें तो ये उचित नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार चुनना, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना सब जनता की जिम्मेदारी है। तो मेरी आप लोग सभी के माध्यम से अपील है कि गर्मी इत्यादि की परवाह ना करें, बूथों पे पर्याप्त इंतजाम है और अपना वोटिंग करें। अभी थोड़ी देर में लाइन भी समाप्त हो जाएंगे, फिर भीड़ भी कम हो जाएगी, तो आराम से करने में कोई समस्या नहीं। सर, सुरक्षा के दृष्टिगत क्या कुछ व्यवस्थाएँ हैं जिला प्रशासन द्वारा, आपके द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।